प्रभात, मेरा नाम निष्ठा सिंह परिहार है। मैं बीएससी बीएड प्रथम वर्ष की छात्रा हूँ सांदीपनी एकेडमी अछौटी से। मेरे कविता का शीर्षक है सिलसिले की रवानी है। माँ ने सहरा बुन रखा था, बहन राखी सजाई थी, साथ ही अगले पल उस फौजी की सगाई थी। कोई सपने गिन रही थी, कई अपने बुन रही थी, आँखों पे मुस्कान सही पर वह इंतज़ार कर रही थी। बड़े शौक से उसने मेहंदी रचाई थी, उस पर वह थोड़ा शर्माई थी, क्या पता था कल क्या होगा, उसने तो बस आरजू लगाई थी। वक्त गुजरा वह पल आया, वक्त गुजरा वह पल आया, लगा खुशियों का संसार छाया, पर देखा जब वह नज़ारा गम बादल बनकर छाया। बदन पे तिरंगे सा कफन, बदन पे तिरंगे सा कफन, संग फौजों की टोली थी, बताया गया सरहद पे खाई इसने गोली थी। आरती का वो दीपक बुझ चुका था, घर का वो रोशन चिराग बुझ चुका था, किसी के सपनों का संसार बुझ चुका था, माँ का वो इकलौता औजार बुझ चुका था। वह उस पल भी न डगमगाई थी, वह भाई को सलामी देने आई थी, ले डाली कसम उसने उस वर्दी की जिसने भाई को दी बिताई थी। बढ़ चढ़ी दोबारा सरहद पर, बढ़ चली दोबारा सरहद पर, पूरा करने वो काम निराला, छोड़ चला था भाई जो बंद करके इस खेल का प्याला। वह लड़ी लड़ी वह खूब लड़ी, वह लड़ी लड़ी वह खूब लड़ी, फिर अचानक रह गई खड़ी, वह भी शहीदों में आई, जहाँ था उसका भी भाई। घर पे मातम फिर से छाया, घर पे मातम फिर से छाया, जब तिरंगा बन कफन आया, माँ रोती बैठ दरवाजे पे, ना होश रहे ठिकाने पे, फिर भी गर्व से कहती है, फिर भी गर्व से कहती है, ये दोनों आज शहीद हुए, अब तक कर्ज चुकाया इस माँ का, अब धरती माँ पे रंगीन हुए। भारत की यही कहानी है, भारत की यही कहानी है, इतिहास की यही निशानी है, न खत्म हुआ ना हो पाएगा, यह इस सिलसिले की रवानी है, यह इस सिलसिले की रवानी है। धन्यवाद।